कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण व लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ज्वालामुखी के खौला में युवा विकास सोसाइटी द्वारा कौशल विकास निगम के यशस्वी स्किल सेंटर को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया गया। पूरे सेंटर परिसर में मैनुअल टैंकर से दवा का छिड़काव किया गया और इसके आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज किया गया। सेंटर के सभी कमरे व प्रैक्टिकल लैब भी सैनिटाइज की गई। यशस्वी स्किल सेंटर के निदेशक जीवन धीमान ने बताया कि सैनिटाइजेशन व सामाजिक दूरी से कोरोना पर वार कर उसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व सामाजिक दूरी पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा विकास सोसाइटी द्वारा यशस्वी स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला की बिल्डिंग को आज सैनिटाइज किया गया और साथ में ही पड़ने वाली छोटी छोटे जो बाजार हैं सराणी और सपराड़ू के बाजार को भी आज जो है वो वहाँ उस क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वे सरकार के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं और कम से कम जो है वो घरों से बाहर निकलें। और हम यही साथ में हम अपने जो प्रदेशवासी हैं जो बाहर से आए हुए हैं हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वे 28 दिन के लिए घर में ही क्वारंटाइन रहें और सरकार और समाज की पूरी सहायता करें। और साथ में हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि वे अपने जो क्षेत्र हैं उनको वो सैनिटाइज करें, ठीक है। जहाँ पे लोगों की ज़्यादा आवाजाही होती है उस क्षेत्र को वो साफ सुथरा रखने में जो है वो प्रशासन का सहयोग दें तथा जो भी सरकार हमारे बारे में या समाज के बारे में निर्णय ले रही है, नियम बना रही है, उन नियमों का पालन जो है वो हम करें। धन्यवाद।